విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టదర్శన శ్రీ శ్రీమదే శ్రీ భక్తి వేదాంత స్వామి శ్రీల ప్రభుపాదకి జయస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ విష్ణుపాద పరమహంస పరివ్రాజకాచార్య అష్టదర్శన శ్రీ శ్రీమద్ భక్తి సిద్ధాంత సరస్వతి ఠాకూర్ మహారాజ్ శ్రీల ప్రభుపాదకి జయ అనంతగుడి వైష్ణవృందకి జయ నమాచార్య శ్రీల హరిదాస్ ఠాకూర్కి ప్రేమ సె కహో శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శివాసాది గౌరభక్తవృందకి జయ శ్రీ శ్రీ రాధాకృష్ణ గోగపినాథ్ శ్యామకుండ రాధాకుండ గిరి గోవర్ధన్కి జయ శ్రీ వృందావన మథురధామ్కి జయ శ్రీ మాయాపూర్ నవదీప్ ధామ్కి జయ శ్రీ జగన్నాథ్పురి ధామ్కి జయ గంగాదేవి జమునాదేవికి జయ భక్తిదేవికి జయ శ్రీమతి తులసి మహారాణికి జయ శ్రీ హరినామ సంకీర్తనకి జయ శ్రీల ప్రభుపాద ట్రాన్స్జెండర్ బుక్ డిస్ట్రిబ్యూషన్కి జయ గ్రంథరాజ శ్రీమద్ భాగవతంకి జయ శ్రీ శ్రీ గౌర్ణితాయికి జయ శ్రీ శ్రీ రాధారాస్ ప్యారిలత విశగదేవికి జయ శ్రీ శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణ్ భక్త హనుమాన్కి జయ సమవేత భక్త బృందకి నితాయ గౌర్ ప్రేమానందే హరి హరి ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ టు అసెంబుల్ డివోటీస్ ఆల్ గ్లోరీస్ ఆల్ గురు గురు అని గౌరంగ జయ శ్రీల ప్రభు ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ ఓం నమః భగవతే వాసుదేవాయ నారాయణం నమస్కృత్య నరం చైవ నరోత్తమం దేవీం సరస్వతీం వ్యాసం తతో జయముదీరే నష్టప్రాయేషు అభద్రేషు నిత్యం భాగవత సేవయా భగవతీ ఉత్తమ శ్లోకే భక్తిర్భవతి నైష్ఠికీ మూకం గరతి వాచాళం పంగులంగయతే గిరిం యత్కృపాతమహం వందే శ్రీగురుం దీనతారణం శ్రీపరమానందమాధవం. ఆజం శ్రీమద్ భాగవత్ సప్తమ స్కంద 15వ అధ్యాయ శ్లోక నంబర్ 66 కా పాఠ కర్ రహే హైం. ఇస్ అధ్యాయ కా నామ్ మన సుసంస్కృత మనుష్యం కే లియే ఉపదేశ్. యత్ యస్య వా నిషిధం స్యాత్ యేన యత్ర యతనుప సాతేనేహితకార్యాణి నరో నన్యరనాపది
यद्यस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यैरनापदि यत्यस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यैरनापदि यतस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यैरनापदि यतस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यैरनापदि यतस्य वाणी सिद्धं स्यात् येन यत्र यतो नृप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यैरनापदि मतैः यत् जो भी यस्य मनुष्य का बा या तो अनिषिद्धम जिसकी मनाही न हो स्यात् ऐसा हो येन जिससे यत्र स्थान तथा समय में यतः जिससे नृप हे राजा सह ऐसा व्यक्ति तेन ऐसी विधि से इहे त संपन्न करें कार्याणि नियत कार्यकलाप नरह मनुष्य न नहीं अन्य दूसरी विधियों से अनापदि संकट की अनुपस्थिति में। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। हे राजा युधिष्ठिर, संकट न रहने पर सामान्य परिस्थितियों में मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन स्तर के अनुसार नियत कार्यकलापों को ऐसी वस्तुओं प्रयासों तथा विधियों से संपन्न करे तथा ऐसे स्थानों पर निवास करे जो उसके लिए निषिद्ध न हो। वह अन्य विधियों का उपयोग न करे। तात्पर्य, यह उपदेश सभी जीवन स्तरों वाले मनुष्यों के लिए दिया गया है। सामान्यतया समाज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एवं ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी तथा गृहस्थ में विभाजित है। हर एक को अपने पद के अनुसार कर्म करना चाहिए और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन सफल बनेगा। इसका उपदेश नैमिषारण्य में दिया गया था। अतः पुंभी द्विज श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग स स्वानुस्थित धर्म से संसिद्धि हरितोषण। हे द्विज श्रेष्ठ, अतः यह निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्य द्वारा अपने नियत कर्तव्यों का निर्वाह
वर्ण तथा आश्रम के अनुसार करने से जो उच्चतम सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वो भगवान हरि को प्रसन्न करना है। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपने वृत्तिपरक कर्तव्यों के अनुसार कर्म करें, तभी प्रत्येक व्यक्ति सुखी हो सकेगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदन्तिकम्। वन्देऽं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सगणललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कंत राधाकांत नमस्ते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशवानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबलाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरतिशे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यत् यस्य वा अनिषिद्धं स्यात् येन यत्र यतोऽनुप स तेन हितकार्याणि नरो नान्यनापदि। श्रीमद्भागवत के श्लोक में नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से सारे मानव समाज को उपदेश दे रहे हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं कि वेदों में मानव समाज को चार वर्ण और आश्रमों के अनुसार विभाजित किया गया है, वस्तुतः यह विभाजन किसी मनुष्यकृत नहीं है। कभी कभी लोग सोचते हैं कि मनुष्य ने ऐसा विभाजन बनाया है, किंतु भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में स्वयं कहते हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग से, मैंने चार वर्णों की सृष्टि की है गुण और कर्म के अनुसार। भगवान श्री कृष्ण के भी जन्म के अनुसार
विभाजन नहीं करते। जहाँ लोग जन्म के अनुसार इस विभाजन को मानते हैं, जिस प्रकार कोई सोच सकता है कि ब्राह्मण परिवार में किसका जन्म हुआ है, चाहे वो ब्राह्मण का कर्म ना करता हो फिर भी वो अपने को ब्राह्मण मानता है, या कोई क्षत्रिय परिवार में जन्म हुआ है, क्षत्रिय का कर्म नहीं करता है अपने को क्षत्रिय मानता है, तो ये सब जन्म के अनुसार है। तो जन्म के अनुसार जहाँ समाज को विभाजित किया जाता है, उसको उस वर्ण और आश्रम, जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम एवं संन्यास आश्रम, ये चार आश्रम हैं और चार वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। जय श्री राम। तो जहाँ जन्म के अनुसार इसका विभाजन किया जाता है, उस वर्णाश्रम को आसुरी वर्णाश्रम कहा गया है, क्योंकि जन्म के अनुसार यद्यपि व्यक्ति को सुसंस्कृत होने का अवसर प्राप्त है, फिर भी व्यक्ति उस अवसर का लाभ नहीं उठाता। इसलिए केवल जन्म मात्र से व्यक्ति में अहंकार आ जाता है। जिस प्रकार भागवत में बताया गया है कि जन्म ऐश्वर्य श्रुतश्री एधमान मदह पुमा, कि व्यक्ति में अहंकार की वृद्धि किस प्रकार होती है जन्म से। कोई उच्च कुल में किसका जन्म हुआ है तो उसके मन में अहंकार है कि मेरा इतना बड़ा उच्च कुल में जन्म हुआ है, मैं इतना बड़ा उच्च कुल से आया हूँ, ब्राह्मण परिवार से, ये परिवार से, जमींदार परिवार से, उच्च कुल में जन्म, यह अहंकार को जन्म देता है। ऐश्वर्य, कोई बहुत बड़ा धनी है, धनवान है, उसके मन में गर्व अहंकार कि मैं बहुत बड़ा धनी व्यक्ति हूँ। जैसे आजकल हम समाचार पत्रों में देखते हैं कि संसार का सबसे बड़ा धनी व्यक्ति ये है, एक नंबर धनी व्यक्ति, दो नंबर है, तीन नंबर, सो धन के अनुसार ये गिनाया जाता है कौन कितना बड़ा धनी व्यक्ति है, और उससे उस व्यक्ति का अहंकार और वृद्धि प्राप्त होता है। ऐसे तो धन अहंकार को जन्म देता है, और जब ये प्रचारित होता है कि ये बहुत बड़ा धनी व्यक्ति है, उसके अहंकार में और वृद्धि हो जाती है। ऐश्वर्य श्रुत, कोई बहुत बड़ा विद्वान है, पंडित है, तो पांडित्य के कारण, विद्वता के कारण उसके मन में अहंकार है कि हम PhD हैं, हम MA हैं, हम डिलीट हैं, ये सब अहंकार को जन्म देता है। कभी कभी देखा जाता है हमारे भक्तगणों में भी, भक्तगण अपना दीक्षा नाम लिखते हैं उसके साथ लिख देते हैं PhD। तो ये सब अहंकार को विद्वता, कोई बहुत बड़ा पंडित है तो वो सोचता है बहुत बड़ा मैं विद्वान हूँ, वो अहंकार को जन्म देता है। श्रुत श्री, और कोई बहुत बड़ा सुंदर व्यक्ति है तो वो भी अहंकार को जन्म देता है, अपने सौंदर्य का एडवर्टाइजमेंट, प्रचार होता है और उसमें बहुत पैसा मिलता है, तो लोग उन्हीं का अनुकरण करना चाहते हैं, सुंदर व्यक्तियों का, तो ऐसे व्यक्ति का अहंकार वृद्धि प्राप्त होता है। तो ये सब अहंकार को वृद्धि करने में सहायक होते हैं, ये सब जो तथाकथित गुण हैं ये अहंकार को वृद्धि करने में सहायक होते हैं। किंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि ये चारों चीज किस में है, कोई उच्च कुल में जन्म हुआ है, कोई बहुत बड़ा पंडित विद्वान है, कोई सुंदर है,
कोई ऐश्वर्यवान है, धनवान है, फिर भी उसके मन में अहंकार नहीं है, तो ये सोचना चाहिए कि उस व्यक्ति पर मेरी विशेष कृपा है। अर्थात भगवान कृष्ण की जिस व्यक्ति पर विशेष कृपा होती है, ये सब होते हुए भी अहंकार की चीज, फिर भी उसके मन में अहंकार नहीं आता है, वो नम्र रहता है। तो ये भगवान की कृपा प्राप्त हैं, इसे ये समझना चाहिए। तो जो भी हो, ये जो जन्म से कोई सोचता है कि हम इस वर्ण के हैं, तो ये केवल अहंकार को जन्म देता है। जब तक हम उस वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वाह नहीं करते, वेदों में ये चार वर्ण और चार आश्रमों के लिए कर्तव्य निर्धारित किए गए। जिस प्रकार ब्राह्मण है, ब्राह्मण का क्या कर्तव्य होना चाहिए, क्षत्रिय का क्या कर्तव्य होना चाहिए, वैश्य और शूद्र का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचारी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, एक गृहस्थ है, गृहस्थ का क्या कर्तव्य होना चाहिए, कोई वानप्रस्थ है, वानप्रस्थ का कर्तव्य क्या होना चाहिए, और जो सन्यासी हैं, सन्यासी का क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये वेदों में निर्धारित किया गया। और इन सारे वर्ण और आश्रम का जो मुख्य उद्देश्य है, इन कर्तव्यों के संपादन का जो मुख्य उद्देश्य है, कि व्यक्ति क्यों इन कर्तव्यों का संपादन करेगा, उसका मुख्य उद्देश्य है स्वानुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धि हरितोषणम्। हर वर्ण के व्यक्ति, हर आश्रम के व्यक्ति अपने अपने धर्म में स्थित होकर अपने अपने कर्तव्यों का संपादन करते हुए, ये लोग हरितोषणम्, भगवान हरि को संतुष्ट करेंगे, उनके संतोष विधान के लिए अपना कर्तव्य संपादन करें। इससे क्या होगा, समाज सुखी रह सकता है, हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों में स्थित होकर सुखी बन सकते हैं, समाज को सुखमय बनाने के लिए, क्योंकि हर व्यक्ति समाज में सुखी होना चाहता है। तो किस प्रकार वो सुखी हो सकेगा, उसके लिए वेदों में ये व्यवस्था की गई, भगवान ने ये व्यवस्था दी है, ये किसी मनुष्यकृत व्यवस्था नहीं। जैसे पशु समाज है, पशु समाज में ये व्यवस्था नहीं दी जा सकती, पशु लोग कोई नीति नियमों का पालन नहीं कर सकते, वो अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य कर सकते हैं। आहार, निद्रा, भय और मैथुन, ये चार प्रकार की प्रवृत्तियां मनुष्य और पशुओं में समान रूप से दृष्टिगत होती है। इसके लिए जो नियमन है, जो निर्देश दिया गया है, किस प्रकार का आहार करना है, कैसे निद्रा जाना है, कैसे मैथुन करना है, और कैसे अपनी सुरक्षा करना है, उसके लिए जो भी नियम बताए गए हैं, ये मनुष्यों के लिए बताया गया और सभ्य मनुष्यों के लिए बताया गया। जो इन नियमों का पालन नहीं करते हैं, उनको वेदों के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार असभ्य कहा गया है, अनार्य कहा गया। जो आर्य हैं, वो सभ्य हैं, सुसंस्कृत हैं और वेदों के नियमों का पालन अपने जीवन में करते हैं। किंतु जो लोग पालन नहीं करते हैं, ये अनार्य, असंस्कृत और पशु तुल्य जीवन बिता रहे हैं, क्योंकि पशु लोग किसी नियम का पालन नहीं करते। पशु समाज में कोई नियम नहीं है आहार, निद्रा, भय और मैथुन के क्षेत्र में।
पशुओं को अपनी प्रवृत्ति के अनुसार कार्य करना है, किंतु मनुष्य ये विचार कर सकता है कि किस प्रकार का खाद्य ग्रहण करना चाहिए मनुष्य को। तो आहार में संयम ये मनुष्य ही कर सकता है, पशु लोग नहीं कर सकते। तो आहार में संयम अर्थात किस प्रकार का खाद्य हमें खाना है, किस प्रकार कितने घंटे हमें सोना है और किस समय सोना है, ये सब शास्त्रों में बताया गया है। आजकल लोग सोने के समय में जागते रहते हैं रात में। गृहस्थ लोग आजकल तो ऐसा देखा जाता है कि 12 बजे से पहले, रात को 12 बजे से पहले नहीं सोते हैं, 12 बजे के बाद ही सोते हैं और उठते हैं 8-9 बजे 10 बजे। तो सब ये शास्त्रों के अनुसार नहीं है और स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी नहीं। जो सोने का समय हम जागते रहते हैं और जागते रहने का समय हम सोते हैं, सब नियमों में सब परिवर्तन हो गया, हमने परिवर्तन कर दिया है शास्त्रों के नियमों में। क्योंकि ये सब जो भी बताया गया है शास्त्रों में, ये हमारे उपकार के लिए, हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए। तो यहाँ पर नारद मुनि इसलिए महाराज युधिष्ठिर के माध्यम से ये मानव समाज को ये उपदेश दे रहे हैं जो शास्त्रों में बताया गया है। क्योंकि शास्त्रों में जो बताया गया है, बहुत सारे लोग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं और शास्त्रों का अलग अलग व्याख्या भी करते हैं अपने अपने ढंग से। जैसे भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, कि सारे धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। तो ये भगवान का वचन है, किंतु बहुत सारे लोग इसी को लेकर उसका अलग अर्थ करते हैं। जबकि भगवत गीता में स्पष्ट लिखा गया है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मेरी शरण में आना। किंतु जो मायावादी लोग हैं, ये लोग कहेंगे कि नहीं नहीं, कृष्ण की शरण में नहीं जाना है, वो परम ब्रह्म परमात्मा की शरण में जाना है। एक बार ऐसा हुआ था कि हम ट्रेन से आ रहे थे, एक बनारस के पंडित मिले हमें ट्रेन में, तो पंडित जी से हमारी बातचीत हुई। तो पंडित जी गीता के बारे में बोलने लगे, तो जब गीता के ऊपर बातचीत हो रही थी तो पंडित जी कह रहे थे कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा है, ये उनका गीता पढ़ कर के पंडित बन कर के ये उनका मंतव्य, उन्होंने यही समझा है गीता पढ़ के कि कृष्ण ने भगवत गीता नहीं कहा है। तो हमने पूछा कि किसने भगवत गीता कहा है, तो उन्होंने कहा कि भगवान ने कहा है। तो हमने कहा कि क्या कृष्ण भगवान नहीं है, तो उन्होंने कहा कि नहीं। हमने कहा तल भगवान कौन है, ना वो परम ब्रह्म है। तो हमने कहा कि भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने अपना जब विश्व रूप दिखाया था अर्जुन को, तो अर्जुन ने क्या कहा था उस समय कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान पुरुषं शाश्वतं दिव्यं आदिदेवं अजं विभु। तो स्वयं अर्जुन भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि परम ब्रह्म, आप ही परम ब्रह्म है। और ये पंडित जी गीता पढ़ करके यही समझ रहे हैं कि कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है और भगवान नहीं है। और अर्जुन कह रहे हैं कि परम ब्रह्म परम धाम पवित्रं परमं भवान,
आप परम पवित्र हैं, परम धाम हैं, परम ब्रह्म हैं, सब कुछ है। और केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, कोई कहेगा कि अर्जुन भगवान कृष्ण का सखा था तो अपने सखा के लिए प्रशंसा की बात कह रहा है, सखा को ऊपर उठाने के लिए बोल रहा है अर्जुन कि ये परम ब्रह्म है। तो अर्जुन कह रहे हैं आहुस्तंग ऋषय सर्वे देवर्षि नारदस्त था, कि मैं केवल अकेला ये बात नहीं कह रहा हूँ, सारे ऋषिगण ये कह रहे हैं, देवर्षि नारद असित व्यास ये सारे ऋषिगण इसी बात को मानते हैं कि आप ही परम ब्रह्म है। और स्वयं च ब्रवीष में आप भी स्वयं कह रहे हैं, और ये स्पष्ट कहते हुए भी ये पंडित जी समझ नहीं पा रहे हैं गीता कि कृष्ण परम ब्रह्म नहीं है, भगवान नहीं। तो इस प्रकार माया के द्वारा इन लोगों की बुद्धि अपहृत हो जाती है। भोगैश्वर्य प्रसक्तानंग तया अपहृत चेतसा, जो लोग भोग के प्रति आसक्त हैं, ऐश्वर्य के प्रति आसक्त हैं, उनकी चेतना माया के द्वारा अपहृत हो जाती है। जब भगवान स्पष्ट स्वयं कह रहे हैं फिर भी उनकी समझ में नहीं आती, इस प्रकार ये लोगों को भ्रमित करते हैं। और इस प्रकार के लोग गीता पर प्रवचन करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या लोगों को समझाएंगे, उनको भ्रमित करेंगे। तो ये इसलिए शास्त्र को पढ़कर हम सारी बातों को समझ नहीं सकते, इसलिए जो महान भक्तगण हैं, महान मुनि ऋषि हैं, ये लोग शास्त्रों को समझाते हैं जन समाज के कल्याण के लिए। तो देवर्षि नारद जो भगवान के परम भक्त हैं और सारे त्रिलोक में भ्रमण करते हैं नारद मुनि, और उनका एक ही काम है भगवान की भक्ति का प्रचार करना। तो नारद मुनि जैसे व्यक्ति ये स्वयं बता रहे हैं शास्त्रों में क्या लिखा गया है और जन समाज के लिए वो कितना उपादेय है, कितना हितकारी है। ये वचन को वो युधिष्ठिर महाराज को उपदेश देने के माध्यम से वो सारे मानव समाज को उपदेश दे रहा, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज ने प्रश्न पूछा था नारद मुनि जगत के कल्याण के लिए। तो नारद मुनि ये उपदेश दे रहा है कि सुसंस्कृत व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, अपने अपने वर्ण और आश्रम में स्थित होकर व्यक्ति कैसे जीवन में सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। संसिद्धि हरितोषणम, जीवन की चरम सिद्धि है भगवान हरि को संतुष्ट करना, ये मुख्य बात है, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है कि भगवान हरि कृष्ण को संतुष्ट करना, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जब हम भगवान कृष्ण को संतुष्ट करते हैं तो जीवन में हम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का अर्थ है उनकी कृपा प्राप्त करना, और उनकी कृपा प्राप्त करने का अर्थ है कि इस भौतिक संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाए। इसलिए ये शास्त्रों में बताया गया है वर्ण और आश्रम के बारे में, और श्री प्रभुपाद जी महाराज बार बार इस शास्त्र के निर्देश के अनुसार ये वर्णाश्रम व्यवस्था को स्थापित करना चाह रहे थे। इसलिए प्रभुपाद कह रहे थे कि दैव वर्णाश्रम, हम कह रहे थे असुरी वर्णाश्रम जो जन्म के अनुसार होता है, किंतु जो कर्म के अनुसार, जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चातुर्वर्ण मया सृष्टं गुण कर्म विभाग, गुण और कर्मों के अनुसार मैंने ये वर्ण की व्यवस्था आश्रम की व्यवस्था की, जन्म के अनुसार भगवान कृष्ण नहीं कर रहे। इसलिए हम देखते हैं कि भगवान ऋषभ देव के 100 पुत्र हुए, तो उनमें से
नौ पुत्र ब्राह्मण बन गए, जबकि भगवान ऋषभदेव क्षत्रिय कुल में उनका आविर्भाव हुआ था, किंतु उनके नौ पुत्र क्षत्रिय होना चाहिए जन्म के अनुसार। यदि हम देखें एक क्षत्रिय का पुत्र क्षत्रिय बनेगा, किंतु ऋषभदेव के पुत्र वो ब्राह्मण बन गए, कैसे? अपने कर्मों से। तो ये कर्म के अनुसार भगवान कृष्ण कहते हैं, जन्म के अनुसार नहीं। जैसे ब्राह्मण के कर्म बताए गए हैं, सम दम समदम तपसम शांति आर्जमेव, ज्ञान विज्ञान आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभाव। कोई ब्राह्मण अपने को कहता है तो उसमें ये गुण होने चाहिए कि एक ब्राह्मण वो समता का आचरण करेगा। सम क्या है? सम मत निष्ठता बुद्धे। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सम वह है जिसकी बुद्धि मुझ में लग जाती है, वही सम स्थिति को प्राप्त होता है, वही शांति को प्राप्त होता है। हमारा मन इंद्रिय भोग के लिए दौड़ता है, इसलिए हम अपनी बुद्धि को कैसे इंद्रिय भोग करेंगे उसमें लगाते हैं, किंतु भगवान कहते हैं सम मत निष्ठता बुद्धि। जो अपनी बुद्धि को मेरी सेवा के लिए लगाता है तो वो सम है। भगवान की सेवा करना है और बुद्धिपूर्वक सेवा करना है, ये मूर्खतापूर्ण सेवा करना नहीं है। जैसे मन में आया हम भगवान की सेवा करेंगे, ऐसा नहीं। बुद्धि लगा करके कैसे भगवान प्रसन्न हो, उस प्रकार सेवा में मन लगाना। ये नहीं कि मुझे सेवा दी गई है जैसे तैसे करके चलो, ऐसे सेवा नहीं। हमें बुद्धिपूर्वक कैसे भगवान संतुष्ट होंगे मेरी इस सेवा से, तो बुद्धिपूर्वक सेवा करनी है, मूर्खतापूर्ण सेवा नहीं करनी। और हमारा उद्देश्य होना चाहिए भगवान को प्रसन्न करना, तब हम कृपा को प्राप्त होंगे। कोई भी सेवा, इंद्रियों को दमन करना, तपस्या का आचरण करना, व्रत का आचरण करना, ये सब ब्राह्मण के गुण है। तो ये शास्त्रों में बताया गया है कि ब्राह्मण का क्या गुण है, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, ब्रह्मचारी का, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सभी आश्रमों के कर्तव्य निर्धारित किए गए। और अपने अपने कर्तव्य में स्थित होकर व्यक्ति सुखी हो सकता है। जैसे कोई ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी गुरुकुले बसन गुरु बसन दांतम गुरु रहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में अर्थात गुरु के आश्रम में रहेगा। जैसे हम लोग हमारे गुरु जगत गुरु श्रील प्रभुपाद उनके आश्रम में हम रह रहे हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ जो है ये प्रभुपाद का आश्रम है। ये सारे संसार के लोगों को भक्ति की शिक्षा देने के लिए श्रील प्रभुपाद ने ये संस्था की स्थापना की। तो इसमें हमारे कर्तव्य इस प्रकार निर्धारित किए गए हैं। हमारी संस्था में भी ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उनका कर्तव्य निर्धारण किया गया है कि ब्रह्मचारी गुरु के आश्रम में रहेगा अपने हित या अपने सुख के लिए नहीं।
अधिकतर हम लोग सोचते हैं कि हम कैसे सुखी होंगे, हमारा कैसे स्वार्थ को हम सुरक्षित रखेंगे, अपने स्वार्थ को देखते हैं। किंतु ब्रह्मचारी का कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। जो ब्रह्मचारी हैं और सन्यासी भी, इनका कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है। ये केवल गुरु के स्वार्थ के लिए, कृष्ण के स्वार्थ के लिए जीवित रहते हैं। गुरु का स्वार्थ कृष्ण का ही स्वार्थ है, उनसे भिन्न नहीं है, कृष्ण के स्वार्थ से भिन्न नहीं है। इसलिए ब्रह्मचारी गुरु के हित के लिए, अर्थात कृष्ण चेतना का, कृष्ण चेतना में अग्रसर होने के लिए उसको कार्य करना चाहिए। वो अपने सुख सुविधा के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए, वो स्वयं कष्ट सहकर ब्रह्मचारी गुरु के आदेश का पालन करना चाहिए। और इस प्रकार जब वो गुरु की कृपा प्राप्त होती है, तब कृष्ण की कृपा प्राप्ति है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद, यस्य प्रसादान नगति कुतुब। तो जब गुरुदेव संतुष्ट होंगे, प्रभुपाद संतुष्ट होंगे, तो हमें कृष्ण की कृपा प्राप्त होगी। तो भगवान कृष्ण सबके हृदय में परमात्मा के रूप में है, वो सभी जान रहे हैं और देख रहे हैं हम क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं मन में। कृष्ण जानते हैं परमात्मा के रूप में हम क्या कर रहे हैं, कृष्ण जानते हैं। उसी के अनुसार भगवान कृष्ण फल देते हैं। तो इसलिए जो लोग कृष्ण चेतना में हैं, ब्रह्मचारी हैं, गृहस्थ हैं, वानप्रस्थी हैं, सन्यासी हैं, उनको अपने अपने आश्रम के अनुसार निष्ठापूर्वक भगवान कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए और कभी भी मन में अहंकार को स्थान नहीं देना चाहिए। चाहे वो ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो, वानप्रस्थी हो, सन्यास, हमारा उद्देश्य भगवान कृष्ण को संतुष्ट करना है। और भगवान कृष्ण कभी भी अहंकार से संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि भक्ति मार्ग में अहंकार बहुत बड़ी बाधा है। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुन अमानिन मानदेन कीर्तनीय सदाहरि। जो भक्त को तृणादपि सुनीचेन, रास्ते में पड़े हुए तिनके से भी नीच अपने को समझना चाहिए, कभी भी मन में अहंकार को स्थान देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। इससे भक्ति में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है और हम भक्ति मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते या भगवान कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर सकते। भक्त को सहिष्णु होना चाहिए और सभी को सम्मान देना चाहिए। सभी के हृदय में भगवान कृष्ण का निवास है, चाहे वो भक्त हो या अभक्त हो, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, सभी के हृदय में भगवान कृष्ण विराजमान है। इसलिए सभी को सम्मान देना चाहिए भक्त। ये नहीं है केवल भक्तों को हम सम्मान देंगे और किसी को नहीं देंगे, सभी को सम्मान देना चाहिए। ये वैष्णव का व्यवहार, भक्त का व्यवहार होना चाहिए। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य है भगवान हरि कृष्ण को संतुष्ट करना है और हर वर्ण और हर आश्रम का उद्देश्य यही है, कृष्ण को संतुष्ट करना है। और कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कार्य या जो कर्तव्य शास्त्रों में निषिद्ध नहीं है,
क्योंकि शास्त्र में कुछ करने के लिए कहा गया है और कुछ नहीं करने के लिए भी कहा गया है, हर वर्ण और आश्रम के लिए। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जो नहीं करने के लिए कहा गया है उसको हर वर्ण और आश्रम के व्यक्ति को नहीं करना चाहिए शास्त्र में, और जो करने के लिए कहा गया है, जो कर्तव्य दिया गया है उसको करना चाहिए। और स्थान, काल और पात्र के अनुसार करना चाहिए, ये भी नारद मुनि कहते हैं। अर्थात कर्तव्य का निर्धारण करते समय हमें स्थान, काल और पात्र का विचार भी करना चाहिए। जैसे शास्त्रों में और एक बात भी कही गई है कि आतुरे नियम नास्ति, अर्थात विपत्ति के समय नियमों का पालन ठीक ढंग से नहीं हो सकता, इसलिए शास्त्रों का नियम उस समय लागू नहीं होता विपत्ति के समय। किंतु जब अनापदी, इसलिए अनापदी शब्द का प्रयोग यहाँ नारद मुनि करते हैं, जहाँ विपत्ति का समय नहीं हो, अर्थात साधारण स्थिति में जो अनिषिद्ध, जिसको निषेध नहीं किया गया है, इस प्रकार का कर्तव्य स्थान, काल और पात्र के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। जैसे उदाहरण स्वरूप हम भगवान को जो भोग लगाते हैं तो शास्त्र में बताया गया है कि तुलसी का पत्ता देना चाहिए खाद्य वस्तु में, तब भगवान भोग ग्रहण करते हैं। किंतु ऐसे स्थान है जहाँ तुलसी का पत्ता नहीं है, जैसे प्रभुपाद जी जब पहले गए अमेरिका उस समय तुलसी का पत्ता कहाँ था। और ऐसे भी जैसे आप बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे वहाँ तुलसी का पत्ता नहीं होता, तो एक दूसरा पेड़ मिलता है जिसको बंद तुलसी कहते हैं, उसको लगाते हैं। तो ये स्थान, काल, पात्र के अनुसार इसमें कुछ व्यवस्था की जा सकती है। इस बात को तो भगवान समझते हैं कि हमारा प्रयास निष्ठापूर्वक होना चाहिए कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए। यदि भगवान भावग्राही है, भाव को ग्रहण करते हैं, जहाँ जो वस्तु उपलब्ध है स्थान, काल, पात्र के अनुसार हम उसको भगवान को लगा सकते हैं, भोग लगा सकते हैं। जो उपलब्ध नहीं है उस समय यदि हम कुछ उसमें एडजस्ट करते हैं, उसमें कुछ व्यवस्था करते हैं, काम चलाओ व्यवस्था, तो भगवान ग्रहण करते हैं, उस समझते हैं उस स्थिति को, क्योंकि वो अंतर्यामी है, सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो प्रभुपाद जी महाराज जब विदेश में गए कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने कुछ वहाँ पर एडजस्टमेंट किए हैं, क्योंकि वहाँ उस समय लोगों की स्थिति, उस समय देश, जिस देश में प्रचार कर रहे थे उस देश की स्थिति, समय की स्थिति, लोगों की मनस्थिति, उसको विचार को लेकर प्रभुपाद ने कुछ व्यवस्था दी स्थान, काल, पात्र के अनुसार। ये कोई दोषावह नहीं है। कभी कभी लोग आलोचना करते हैं, इस तथ्य को नहीं समझ रहे हैं जो नारद मुनि कह रहे हैं, स्थान, काल, पात्र ये बहुत महत्वपूर्ण होता है शास्त्रों के नियमों के पालन में। स्थान, काल, पात्र का उपयोग होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने स्थान, काल, पात्र के अनुसार उन्होंने व्यवस्था दी, इसलिए उनकी आलोचना किसी भी स्थिति में नहीं होनी चाहिए। जहाँ कहीं भी प्रभुपाद ने एडजस्ट किया है, कुछ व्यवस्था की है, तो ये अपराध होता है, क्योंकि जो महान भक्तजन होते हैं नारद मुनि जैसे,
वो जानते हैं कि स्थान काल पात्र के अनुसार किस प्रकार व्यवस्था करनी है, किस प्रकार शास्त्रों के नियमों का पालन करना है। तो केवल हम शास्त्रों के नियम में जकड़ कर नहीं रह सकते, स्थान काल पात्र के अनुसार हमें व्यवस्था करना होता है। इसलिए ये आवश्यक है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें और शास्त्रों के निर्देशों को भगवान के भक्तों के मुख से श्रवण करें, तब हम उसको ठीक ढंग से समझ सकते हैं। केवल शास्त्र पढ़कर हम समझ नहीं सकते। जैसे हम कह रहे थे बनारस पंडित के बारे में, शास्त्र पढ़कर समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कभी किसी भक्त के मुख से सुना नहीं है। तो ये आवश्यक है कि हम शास्त्रों का अध्ययन करें और भगवान के जो महान भक्त हैं उनके मुख से शास्त्रों के निर्देशों का श्रवण करें और उसको अपने जीवन में पालन करें, तब जाकर हम जीवन में सुखी हो सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं कि जब विपत्ति का समय ना हो, क्योंकि विपत्ति के समय शास्त्रों के नियमों को हुबहू या यथारूप पालन करना संभव नहीं होता। इसलिए जब विपत्ति का समय ना हो, नारद मुनि कह रहे हैं अनापदि, तो उस समय जो अनिषिद्ध कार्य है, अर्थात जिसको निषिद्ध शास्त्र में नहीं किया गया है, उस कार्य को स्थान काल पात्र के अनुसार व्यक्ति को करना चाहिए। यही नारद मुनि के कहने का तात्पर्य है। तभी जाकर लोग जीवन में सुखी हो सकते हैं। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? हाँ बताइए। हमारा दंडवत गीता में भगवान उवाच है, तो जो पंडित साहब की बात हुई ना, हाँ। तो कृष्ण उवाच नहीं, भगवान उवाच, भगवान उवाच, तो शायद इसलिए उसने उसमें कृष्ण उवाच, मतलब वेद व्यास जी जब महाभारत में लिखते हैं तो कृष्ण उवाच स्पष्ट क्यों नहीं लिख दिया? इसलिए क्योंकि वेदव्यास ये प्रतिपादित करना चाह रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है, क्योंकि कृष्ण ही भगवद गीता का उपदेश अर्जुन को युद्ध भूमि में दे रहे थे और कोई नहीं दे रहा था। तो वेदव्यास लिख सकते थे श्री कृष्ण उवाच, किंतु वो ये प्रतिपादित करना चाह रहे थे कि कृष्ण ही भगवान है, इसलिए उन्होंने लिखा श्री भगवान उवाच कृष्ण के स्थान पर, और पंडित जी ने उसको उल्टा समझा। उन्होंने सोचा कि ये भगवान कोई अलग है, कृष्ण से अलग दूसरा कोई है परम ब्रह्म, तो ये उनका मति भ्रम है। शंकर जी को ही भगवान कहते हैं ना, तो हाँ ये सब मायावादी लोग। और जैसे ये प्रजापति ब्रह्म कुमारी वाले, हाँ। वो कहते हैं कि कोई अपने गुरु को, कोई गुरु को भगवान मानता है, कोई ब्रह्मा जी को भगवान मानता है, कोई शंकर जी को मानता है, अपना अपने मान्यता है उनकी, किंतु भगवान को भगवान नहीं मानते हैं। बाकी लोगों को भगवान मानते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, महाराज मेरे यहाँ पे दो प्रश्न है। पहला कि जब आज के समाज में हम देखते हैं कि एक व्यक्ति को सही शिक्षा नहीं मिलने के कारण वो सही अपने वर्ण और आश्रम में स्थित नहीं है, तो अब ऐसी उलट पुलट स्थिति में वो किस प्रकार से हरि तोषण कर सकता है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि कलयुग में ये वर्णाश्रम व्यवस्था ये नष्ट भ्रष्ट हो गई है।
इसलिए प्रभुपाद जी चाह रहे थे कि दैव वर्णाश्रम व्यवस्था को पुनः स्थापित करने के लिए कम से कम हमारी संस्था में, और हमारी संस्था से लोग शिक्षा ग्रहण करेंगे बाहर के लोग। तो जो भी हो, कम से कम यदि हम वर्णाश्रम में रहकर भी अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार नीति नियमों का पालन नहीं कर सकते, कम से कम हम कृष्ण चेतना को जहाँ कहीं भी हो, चाहे हम किसी वर्ण के हो, किसी आश्रम के हो, यदि हम कृष्ण चेतना को ग्रहण करेंगे और कृष्ण चेतना के नियमों के अनुसार कार्य करेंगे, तो ये सबसे सफल विधि है भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने का। तो ये कृष्ण चेतना या भक्ति मार्ग की जो विधियां हैं, जो हमारे गोस्वामियों ने दिया है, रूप गोस्वामी ने दिया है, श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिया है, हम कहीं भी, चाहे किसी भी वन में, किसी भी आश्रम में हम रह सकते हैं, हम भक्ति की विधि का अनुसरण करेंगे। स्थाने स्थिता श्रुतिगतंग तनुभाग मनोभि, हम किसी भी स्थान पर हो, किसी भी स्थिति में हो, किसी भी देश में हो, किसी भी काल में हो, भक्ति हम हर समय, हर स्थिति में, हर देश में कर सकते हैं, उसके लिए कोई बाधा नहीं है। और भक्ति सर्वश्रेष्ठ विधि है। वर्णाश्रम विधि ये प्रारंभिक स्थिति है, ये उच्चतम स्थिति नहीं है। जब रामानंद राय को श्री चैतन्य महाप्रभु ने प्रश्न पूछा था, तो सबसे पहले रामानंद राय ने वर्णाश्रम की बात बताई थी, तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये हो बाह्य और आगे कहो, आर ये बाह्य है और आगे 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 बोलो। तो वर्णाश्रम प्रारंभिक स्थिति है, सबसे उच्चतम स्थिति है। किसी भी स्थिति में हम रहकर भगवान कृष्ण की भक्ति का आचरण करें, भक्ति की विधियों का पालन करें। तो भक्ति की विधियों के पालन यदि हम कर सकते हैं, तो हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकते हैं। और केवल विधि निषेधों के पालन में ही हमें सीमित रहना नहीं है, और भी आगे बढ़ना है। प्रारंभिक स्थिति में तो हम विधि निषेधों का पालन करेंगे, किंतु विधि निषेधों का पालन करते हुए हमारे हृदय जैसे शुद्ध होते जाएंगे, हमारे हृदय में भगवान कृष्ण के प्रति स्वाभाविक प्रेम उत्पन्न होने लगे। वो भक्ति की चरम सिद्धि की अवस्था है, जब हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त हुए, प्रेम से भगवान की सेवा करेंगे। अब तो हम, हो सकता है कि बाध्य होकर कर रहे हों, या हमें बताया गया है कर रहे हों भगवान की सेवा, किंतु स्वतस्फूर्त अपनी ओर से प्रेम पूर्वक जब हम कृष्ण की सेवा करेंगे और कृष्ण को संतुष्ट करेंगे, तो हमारा जीवन, मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा। महाराज, दूसरा प्रश्न ये है कि जब हम सेवा में जुड़ते हैं, तो सेवा करते समय जो अहंकार उत्पन्न होता है नेम और ग्लोरी से, हाँ, उसको किस प्रकार से भगवान की सेवा में लगाया जाए? सेवा करते समय अहंकार इसलिए होता है कि हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, इससे भी अहंकार उत्पन्न हो सकता है। हम ये यदि यह सोचेंगे कि हम बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, हमसे बढ़कर और कोई सेवा नहीं कर सकता, यह अहंकार को जन्म देता है। या यदि हम ये सोचें कि हमसे बढ़कर कोई योग्य व्यक्ति नहीं है इस सेवा के लिए, हम यदि नहीं करेंगे ये सेवा और कोई नहीं कर सकता, कभी कभी भक्त लोग बोलते हैं ना, कोई टेंपल प्रेसिडेंट बोलते हैं कि आपको ये सेवा करना है, कहेंगे नहीं नहीं हम ये सेवा नहीं करेंगे, ये सेवा करेंगे, और यदि आप मुझे ये सेवा नहीं देंगे हम मंदिर में नहीं रहेंगे, कभी कभी ऐसा बोल देते हैं।
ये अहंकार है। कोई मंदिर में रहे ना रहे, भगवान की सेवा कभी बंद नहीं होगी, सेवा चलती रहेगी। किसी के ऊपर भगवान की सेवा निर्भर नहीं करती है, इसलिए कभी भी भक्त को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि हम मंदिर में नहीं रहेंगे, हम ये सेवा नहीं करेंगे। भक्त हर सेवा के लिए प्रस्तुत रहना चाहिए। जो सेवक हैं, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, कृष्ण का नित्य सेवक हैं हम। यदि हम इस बात को मानते हैं तो हम कृष्ण के नित्य सेवक, 24 घंटे सेवक हैं। ये 5 घंटे के लिए सेवक नहीं है या 6 घंटे के लिए सेवक नहीं है, 24 घंटे सेवक है। जिस समय हमें सेवा दी जाएगी, हमें आग्रह पूर्वक उस सेवा को करना चाहिए। ये भगवान की कृपा मानकर कि भगवान की कृपा है कि मुझे ये सेवा मिल रही है, हम इसको कैसे सुंदर पूर्वक, सुंदर उसको अच्छी तरह करें जिससे कि भगवान कृष्ण प्रसन्न होंगे, हम कृष्ण की कृपा प्राप्त करेंगे, गुरुदेव की कृपा प्राप्त करेंगे, वैष्णव की कृपा प्राप्त करेंगे। यही तो हमारा उद्देश्य है, हम इसलिए आए हैं, कृष्ण की सेवा में हम लगे हुए हैं, सबकी, वैष्णव की कृपा, गुरु की कृपा और कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए। हम कभी कभी हमारे जीवन के उद्देश्य को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं और हम क्या करने आए, इसलिए मन में अहंकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए बार बार हमें अपने को ये सचेत करना चाहिए कि हम कृष्ण का सेवक हैं, नित्य सेवक। इसलिए मेरा ये कर्तव्य है कि भगवान कृष्ण की सेवा जब भी मुझे प्राप्त हो और जो कोई भी सेवा प्राप्त हो, मैं उसको प्रेम पूर्वक करूँगा, अपने मन को समझाना चाहिए, तब फिर मन में यह अहंकार नहीं आएगा। हम दूसरों को प्रीचिंग करते हैं, प्रचार करते हैं, किंतु पहले अपने मन को प्रचार करना चाहिए। ये मन बहुत बड़ा दुष्ट मन है, मन को समझाना चाहिए, मन को अपने वशीभूत करना चाहिए, इस तब जाकर हम कृष्ण की सेवा में आनंद को प्राप्त कर सकते हैं, अब तब अहंकार फिर नहीं आएगा। किंतु यदि हम ये समझें कि हमें छोड़कर दूसरा कोई ये सेवा नहीं कर सकता, या हम ही अच्छी सेवा कर रहे हैं और कोई नहीं कर रहा है, ये अहंकार को जन्म देगा। हरे हरे कृष्ण महाराज, जैसे बोला गया कि विधि निषेध, कभी कभी हम लोग को देखते हैं, हम सब दीक्षा लेते हैं, कभी कभी या गृहस्थ हो या ब्रह्मचर्य हो, कोई मर जाता है या कुछ घर में ये होता है कि परिवार में कुछ होता है, उस टाइम पे घर में दो व्यक्ति रहते हैं, तीन व्यक्ति रहते हैं, उनका छूतक होता है कि मृतक होता है, तो उस टाइम पे लोग सोचते हैं अरे हम तो ये है, हम अभी भगवान की पूजा नहीं कर सकते, अभी हम घर में भगवान को रखे हैं, तो उस टाइम पे भगवान को छूते नहीं, भगवान की पूजा नहीं करेंगे कि सर, लेकिन यहाँ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हमारा स्वरूप है, जीवन स्वरूप कृष्ण दास है, और हम यहाँ पे सोचते कि नहीं ये सेवा ये अपराध हो जाएगा, पाप हो जाएगा, उस टाइम सेवा नहीं करते। हमें ये समझना चाहिए कि जब हम दीक्षा ग्रहण करते हैं उसी दिन से हमारा गोत्र बदल जाता है। हमारा जो गोत्र रहा है, जिस परिवार में हमारा जन्म हुआ है, उसका एक गोत्र होता है। आजकल लोग गोत्र भी नहीं जानते। तो जिस दिन हम दीक्षा लेते हैं उसी समय दीक्षा ग्रहण के उपरांत हमारा गोत्र बदल जाता है, और हमारा क्या गोत्र होता है? भगवान का गोत्र हो जाता है। भगवान का दूसरा नाम है अच्युत, इसलिए कहा जाता है कि हम अच्युत गोत्र के हो जाते हैं, अर्थात भगवान कृष्ण के गोत्र के हो जाते हैं। और उसके पश्चात हमारा परिवार के साथ जो संबंध है गोत्र के अनुसार, वो संबंध नहीं रहता है। इसलिए परिवार में सूतक मृतक जो भी होता है वो हमें नहीं लगता, क्योंकि हमारा गोत्र बदल गया, हम कृष्ण के गोत्र, इसलिए हम भगवान की पूजा कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं,
उसमें कोई भ्रम उत्पन्न नहीं होना चाहिए। हरे कृष्ण महाराज जी, हम हर कथा में सुनते हैं चैत्र में, आप क्या कहते हैं, त्रणादपि सुनिचे न तरपि सविष्णाम अमानि न मानिंद कीर्तन श्री। हम तो ये आचरण नहीं कर सकते, अगर कहीं किया हमने, अगर नम्र बन गए, सन बन गए, तो फिर आगे वाले समझ में बता रही इसकी गलती है, तभी तो प्रेशर ज़्यादा हमको नीचे दबाते हैं। हम तो प्रयास नहीं करते, हम प्रयास करते लेकिन हम नहीं बन पाते, त्रणादपि सुनिचे नहीं हो सकते, सहनशील भी नहीं हो सकते हम, लेकिन हम अगर होने का प्रयास किए तो आगे वाले हमको प्रेशर करते, इसका बहुत सी गलती, तो उसको दबोचे नीचे दबोचे, तो हम क्या करना चाहिए। त्रिनादपि सुनिचन होने के साथ साथ चैतन्य महाप्रभु ने और एक बात भी कही है ना, तरोरपि सही सुना, आपको सहनशील भी होना चाहिए। मान लीजिए आपको कोई अपमानित कर रहा है या कष्ट दे रहा है, दंड दे रहा है, आपको सहन करना सीखना चाहिए। त्रिनादप सुनिचन होने के साथ साथ सहनशील भी कह रहे हैं चैतन्य महाप्रभु, तब जाकर आप त्रिनादपि सुनिचन हो सकते हैं। यदि सांसल नहीं होंगे तो त्रिनादपि सुनिचन भी नहीं होंगे। प्रहलाद महाराज ने कितना सहन किया, कुछ सहन किया ना नहीं कष्ट, तो महान भक्ति ही तो हमारे लिए आदर्श स्थापित करते हैं, और हमें उनके आदर्श को देखकर आगे बढ़ना होता है। अगर महान भक्तजन आदर्श स्थापित नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे। तो हमारा लक्ष्य महान भक्तों का आचरण, यहाँ तक कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं भगवान, उन्होंने भक्त के रूप में ऐसा आचरण स्थापित किया है, ये भक्तों को शिक्षा देने के लिए, ये केवल दिखाने के लिए नहीं है, हमें सिखाने के लिए। तो इससे हमें समझना चाहिए कि यदि हम उस प्रकार का आचरण नहीं कर पा रहे हैं, हम कितने नीच स्तर में हैं, नीच स्तर के भक्त, हमें और कितना ऊपर उठना है। इसलिए कभी भी मन में अहंकार का स्थान नहीं देना चाहिए, हमें कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़ा भक्त बन गए। कभी कभी तो लोग ये सोचने लगते हैं, जैसे ही दीक्षा हो जाती है उसके पश्चात सोचने लगते हैं हम अब भक्त बन गए, हमें और आगे कुछ नहीं करना है। किंतु हम भूल जाते हैं कि दीक्षा लेने का अर्थ है कि हमारी साधना का आरंभ होता है दीक्षा से, और उस साधना में हम कब सिद्धि को प्राप्त होंगे ये समय बताएगा। हम कितनी निष्ठापूर्वक वो साधना कर रहे हैं तब जाकर सिद्धि को प्राप्त होंगे, कृष्ण प्रेम को प्राप्त होंगे। इसलिए हम भक्त नहीं बने हैं, भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। दीक्षा लेने का अर्थ ये नहीं है हम भक्त बन गए और कुछ नहीं करना है, हमारी साधना का ये आरंभ हो रहा है, बहुत कुछ आगे करना है। हम में कितने सारे अवगुण हैं, काम क्रोध लोभ मद मोह माश्चर्य भरा हुआ है, क्या हम इससे मुक्त हो गए भक्त बनने के लिए। तितिक्ष कारुणिक सुहृदंग सर्वदेयनं अजात शत्रुव संत साधव साधुभूषण, ये गुण सब हम में आ गए हैं क्या, तितिक्ष कारुणिक सहनशीलता का गुण, दूसरों पर करुणा दया प्रदर्शन करने का गुण, दूसरों का उपकार करना सुहृदंग सर्वदेयनं, तब जाकर हम भक्त बनेंगे। जब तक ये काम क्रोध लोभ मोह मद मास्टर से मुक्त नहीं है, ये गुण नहीं आए, हम भक्त नहीं बने, हम भक्त बनने का अभ्यास कर रहे हैं। इसलिए कभी इस मोह में मत पड़िएगा कि हमने दीक्षा ले ली और भक्त बन गए तुरंत। भक्त बनने के लिए अवसर दिया जा रहा है, दीक्षा से हमारा आरंभ होता है, गुरु के निर्देशन में हमें भक्ति मार्ग का अभ्यास करना है। हरे कृष्ण, जय ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की।